नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे झांसी की रानी जो कविता थी उसका अभ्यास कार्य, यानी कि MCQs, शब्दार्थ, लघु प्रश्न और विस्तृत प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आप तैयार हैं? यदि आपने हमारी कविता वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो अवश्य देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए गए हैं। सबसे पहले आते हैं कविता के कठिन शब्दों के अर्थ। आइए शुरू करते हैं। भ्रिकुटी। भ्रिकुटी भवों को कहा जाता है जो आईब्रोज होती हैं, और भ्रिकुटी तानने का अर्थ होता है बहुत गुस्सा करना, यानी कि टू फ्राउन। गुमी हुई यानी कि खोई हुई, लॉस्ट। फिरंगी विदेशियों को कहा जाता है, अंग्रेज भी कह सकते हैं, फॉरनर अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। हरबोले। हरबोले बुंदेलखंड की एक जाति है जो कि गाने गाकर गाथाएं सुनाती है, ये एक ट्राइब है। कृपाण यानी छोटी तलवार, इसे इंग्लिश में स्मॉल स्वॉर्ड कह सकते हैं। पुलकित माने प्रसन्न होना, जिसे ब्लाइथ भी कहा जाता है। अवतार, विशेष रूप से जन्म लेना यानी कि इनकार्नेशन। व्यूह, घेरे बनाने को कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एरे कहा जाता है। सैन्य यानी कि सेना यानी आर्मी। दुर्ग, दुर्ग का अर्थ है किला, अंग्रेजी में जिसे फोर्ट कहा जाता है। खिलवाड़, खिलवाड़ का अर्थ होता है खेल, जिसे अंग्रेजी भाषा में गेम कहा जाता है। अगला शब्द आता है भवानी। भवानी दुर्गा या पार्वती को कहा जाता है। सुभट यानी कि वीर योद्धा, इंग्लिश में जिसे ब्रेव वॉरियर कहा जाता है। विरुदावली, वीरता की कहानी या फिर गाना। उदित यानी उगना, अंग्रेजी में जिसे राइज कहा जाता है। मुदित माने प्रसन्न होना, अंग्रेजी में इसे हैप्पी कहा जाता है। कालगति यानी मृत्यु की चाल या फिर समय की चाल। काली घटा गिरना यानी कि मुसीबत का आना। अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरी हुई। बिरानी, बिरानी का अर्थ होता है पराई जो कि अपनी न हो। गाथा यानी कहानी, अंग्रेजी में इसे स्टोरी कह सकते हैं। द्वंद्व यानी कि युद्ध, जब दो लोगों में आमने सामने युद्ध होता है तो उसे द्वंद्व कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ड्यूअल कहा जाता है। निरंतर यानी लगातार, अंग्रेजी में इसे कॉन्टिन्यूअसली कहा जाएगा। अगला शब्द है हमारा अंतरतम। अंतरतम यानी कि बिल्कुल भीतर से, जो हमारे हृदय का भीतरी भाग है उसे अंतरतम कहा जाएगा, यानी इनर मोस्ट। तत्काल माने तुरंत, अंग्रेजी में इसे कहेंगे इमीडिएट। चेती यानी कि जाग गई या सावधान हो गई, अलर्ट। सम्मुख यानी सामने, इन फ्रंट। कुर्बानी त्याग या बलिदान को कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में सेक्रीफाइस कहेंगे। जुर्म यानी कि अपराध, इसे अंग्रेजी में कहेंगे क्राइम। मुंह की खाना यानी कि हार जाना, डिफीट। विषम अनोखा या अजीब, अंग्रेजी में कहेंगे ऑड। सिधारना यानी कि मृत्यु होना, इंग्लिश में कहेंगे बिहोल्ड। अविनाशी यानी कि जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, इसे कहा जाएगा इंडिस्ट्रक्टिबल। मदमाती यानी कि मस्त या फिर मतवाली, अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ देखें तो कहेंगे इंटॉक्सिकेटेड। तो बच्चों, ये तो थे हमारे शब्दार्थ। आइए अब देखते हैं थोड़े से बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, नाना साहेब लक्ष्मीबाई को क्या कहकर बुलाते थे? रोबीली, छबीली, चंचल या रंगीली? ध्यान से सोचिए, उसकी कविता की पंक्ति में इसका उत्तर छिपा हुआ है। उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, कविता में रानी लक्ष्मीबाई को कैसी कहा गया है? रोबीली, मस्तानी, मर्दानी या उपर्युक्त सभी कहे गए हैं नाम? ध्यान से सोचिए, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी उन्हें मर्दानी कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को किससे खेलना पसंद था? बर्छी, कृपाण, कटारी या उपर्युक्त सभी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सभी जो है ये हथियार, इनसे वो खेला करती थी। आइए अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कवयित्री ने रानी की कहानी किनसे सुनी थी? कानपुर के निवासियों से, बुंदेलों से, झांसी के निवासियों से या फिर किसी से भी नहीं? अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिएगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? तात्या टोपे, नाना साहेब, दादा साहेब या शिवाजी? आपको ये भी आता होगा, बिल्कुल हमें मालूम है। तो इसका अगर उत्तर आता है तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1856 में, 1857 में, 1957 में या फिर 1875 में? याद कीजिए, सबसे पहली पंक्ति है यहाँ पर कविता की, उसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राजा गंगाधर राव, राजा गंगाधर पंत, राजा गंगादत्त राव या इनमें से कोई भी नहीं? ध्यान से सोचिए। चलिए इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं, उनका विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। आइए अब देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, जेवर और कपड़ों की नीलामी की खबर कहां पर छपती थी? कानपुर के अखबारों में, झांसी के अखबारों में, लखनऊ के अखबारों में या फिर कोलकाता के अखबारों में? ध्यान से सोचकर हमें उत्तर बताएं। यदि आपको उत्तर आता है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर हमारे उत्तर से उसका मिलान कर लीजिए। कलकत्ते के अखबारों में ये खबर छापी जाती थी। प्रश्न नंबर 9 है, अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए कौन सामान जुटा रहा था? लक्ष्मीबाई और तात्या, नाना पेशवा और धूदू पंत, मंगल पांडे और नाना साहेब या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सोचकर बताएं। ये भी पंक्ति है इसमें पूरी की पूरी, नाना पेशवा और धूदू पंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध के मैदान में रानी के साथ कौन आई थी? कुंती और सुनीता, मीना और कांति, काना और मंदरा या मुंदर और कान्हा? ध्यान से सोचे, थोड़ी से अंतर के साथ ही उत्तर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें असमंजस में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, काना और मंदरा। अगला प्रश्न है, बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की आयु कितनी थी? ये पूरी एक पंक्ति है कविता में इसके बारे में भी, क्या वो 33 वर्ष की थी, 20 वर्ष की, 23 वर्ष या फिर 25 वर्ष? 23 वर्ष, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, रानी की तलवार से घायल होकर कौन भाग खड़ा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लेफ्टिनेंट वॉकर, जनरल स्मिथ या ह्यूरोज? ध्यान से सोचें। यदि उत्तर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर हमारे उत्तर से उसका मिलान कीजिए। इसका है लेफ्टिनेंट वॉकर, जिसे बहुत हैरानी हुई थी रानी से हारने के बाद। चलिए अब देखते हैं लघु प्रश्न। लघु प्रश्न में पहला प्रश्न है, बुंदेले हरबोले कौन होते हैं? हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं, मौखिक में ही बता रहे हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। बुंदेले हरबोले बुंदेलखंड की एक जाति होती है, जो कि राजाओं की वीर गाथाएं गा गा कर सुनाया करती है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं मुंह जुबानी याद थी? याद कीजिए, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी, यानी कि उनको वीर शिवाजी जो थे उनकी गाथाएं मुंह जुबानी याद थी। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? ये भी पूरी पंक्ति है उत्तर, आप यहां से देख सकते हैं कविता से। उन्होंने क्या सीखा था? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी और तलवारबाजी उन्हें बहुत अच्छे से चलाना आता था। अगला प्रश्न है, युद्ध के मैदान में लक्ष्मीबाई का मुकाबला किसके साथ हुआ था? याद कीजिए, उन्होंने किन किन के साथ मुकाबला किया? जनरल स्मिथ के साथ, ह्यूरोज के साथ। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रानी के घोड़े की मृत्यु क्यों हुई, क्या कारण था? इसका उत्तर है कि रानी ने अपने घोड़े को लगातार 100 मील की यात्रा कराई, उसे आराम नहीं मिला, खाना पानी मिलने के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। वो थक चुका था, थकने के कारण वो निढाल होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? आइए उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति में झांसी के राजा और लक्ष्मीबाई के जो पति थे राजा गंगाधर राव, उनकी अचानक मृत्यु होने की ओर संकेत किया गया है, यानी कि झांसी पर संकट के काले बादलों के आने की बात की गई है। प्रश्न 6 है,
किसी भी जो काली घटा है उसके घिरने की बात क्यों कही गई है? रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण रानी के जीवन में काली घटा गिरने की बात कही गई। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय ही विधवा हो गई थी, साथ ही साथ राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का भी मौका मिल गया था। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा है? उत्तर है, झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी पुरुषों के समान उनके अंदर वो गुण थे, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता, ये सभी गुण थे उनके भीतर। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी उन्हें बुरी तरह हराया था। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ साथ अंग्रेज भी मानते थे, इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और वीरता से परिचय कराने के लिए उन्हें मर्दानी कहकर पुकारा है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न आठ। प्रश्न आठ कहता है कि रानी की किन विशेषताओं को देखकर जो मराठे थे वो पुलकित होते थे? इसका उत्तर आपको अवश्य आता होगा, फिर भी हम आपको उत्तर दिखा देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वीरांगना आप सभी जानते हैं, वीर का स्त्रीलिंग रूप में वीरांगना। वह युद्ध कला में निपुण थी। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सेना का घेराव करना और दुर्ग तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। लक्ष्मीबाई की तलवारों के वारों को देखकर मराठे बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल निपुण हो चुकी थी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, झांसी की रानी जो है उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमने क्या सीखा? आइए उत्तर देखें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें देश के लिए मर मिटने, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने और मुसीबतों का डटकर सामना करने के साथ साथ साहसी बनने की प्रेरणा मिलती है। हमें लगता है कि आपने भी अवश्य यही देखा होगा, यही सीखा होगा इससे। आइए अगला प्रश्न देखें। बच्चों, कविता के अंत में कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपको स्वयं करने हैं, स्वयं पता लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उस जमाने के हथियार थे, यानी लक्ष्मीबाई के समय के हथियार थे, ये कैसे दिखाई देते हैं, आपको पता लगाना है। आप गूगल से पता कर सकते हैं या पुस्तकालय में भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी है और ये भी बताना है कि उनका बचपन आपके बचपन से किस प्रकार से अलग था, दोनों में क्या समानताएं दिखती हैं और क्या चीजें हैं जो बिल्कुल अलग थी। आप जानते हैं कि उनके जीवन में बहुत कुछ आपसे अलग था। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई, क्या कारण था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि लड़ना उनका काम नहीं है। आज भारतीय सेना में क्या स्थिति है, पता लगाइए। ये भी आप गूगल से पता कर सकते हैं या अपने जो पुस्तकालय में आती हैं पत्रिकाएं उनसे भी पता कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था अभ्यास कार्य। हमें आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते होंगे, या जिनके नहीं आते होंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।